अभी राइड पे निकल रहे हैं, वहाँ से ही हम लोग निकलने वाले एक और राइड पे। अच्छा मेरे को दे दे, मैं इधर लगा दूंगा। अरे वाह, वो पवित्र गोली थी। हेलो लेडीज, ये ठोकेगा जरूर। Flow like water, so I'm going mainstream. What's up guys, welcome back to my channel. I hope you guys are absolutely fine. तो अभी थोड़ी जल्दबाजी में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी राइड पे निकल रहे हैं और ये राइड कल रात को ही प्लान के, वो भी जल्दबाजी में, वो भी जल्दबाजी में तीन दिन के लिए निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो अजय आपको बताएगा। ये सब लोग मेरे घर पे आ रहे हैं। कहाँ पे? आने के लिए। कहाँ पर? गांव में, हमारे गांव पे आ रहे हैं। कहाँ से कम 130 किलोमीटर होता है। विलेज वाले लोग, मतलब मस्ती भी होगी, मजा भी होगा और बाजरे का रोटला भी होगा। क्या है कि गेहूं नहीं हो रहे तो क्या खेती वेती थोड़ा बराबर कर लेके। ओके, उसकी गाय है ना, वो दूध भी नहीं दे रही कुछ भी, कुछ भी। वहां से ही हम लोग निकलने वाले एक और राइड पे, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो अभी निकलते फटाफट क्योंकि देर ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि जो प्रीवियस व्लॉग अपलोड करना था उसमें थोड़ी देर हो गई मेरी वजह से। ओके तो सबसे पहले घर से निकलते ही यामा के शोरूम पे गए ईसनपुर। निकल जाने का प्लानिंग था लेकिन निकल नहीं गए और उल्टा हो जाता, लेकिन क्योंकि जाना हमें इस तरफ है इसलिए सोचा कि रास्ते में ईशनपुर में आएगा यामा का सर्विस सेंटर, वहाँ पे चेन टाइट करवाई और ल्यूब करवाई। क्योंकि देखो चेन पॉकेट मेरी बाइक में अभी फिनिश हो चुका है, अभी नया डलवाने का, और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी गोल्डन कलर का, क्योंकि अभी अपने को गोल्डन डलवाना है। रोल ऑन का मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा संडे नहीं तो मंडे तक। तो अपन तब तक एक राइड करके आते हैं, वैसे तो चल जाएगा तीन दिन तक ये चेन पॉकेट। ओके, अच्छा रोड दिख रहा है हम लोगों को और ऐसा रोड देख के हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक में से हम लोग निकले बस उसके बाद ये रोड देख के किसको खुशी नहीं होगी। ये गोप्रो लगा के घूमता है लेकिन शूट कुछ नहीं करता, उससे अच्छा मेरे को दे दे मैं इधर लगा दूंगा। अरे वाह, इनको जब भी देखो ना तब फ्लाई बाई देते, हम स्लो करेंगे ना तभी ये फास्ट चलाएंगे, फिर हम फास्ट चलाएंगे ना फिर वो स्लो कर देंगे। ऐसा है, उनको फ्लाई बाय देने की है अच्छे से। जिस तरह हमने ब्रेक लेने का सोचा था 70 किलोमीटर के बाद, लेकिन पहले ही ले लिया क्योंकि सुबह ना ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और ना ही कहीं पे स्टॉप लिया, डायरेक्ट सर्विस सेंटर गए यामा के। एक वाली टायर में से गोलियां छूट रही थी। अरे किसकी थी? अरे लेकिन वो गोली छूटी ना तब, मतलब अक्षय भी आगे थे, बीच में अजय था, तो जो गोली छूटी वो पवित्र गोली थी और पवित्र गोली छूटी और अजय ने अपना सिर नीचे कर दिया। मुझे नहीं चाहिए था गोली, कसम से मेरे पे आई और मेरा पे आई, पर बच गया, पाइसर पे नहीं गिरा, वो जैकेट पे आया। और ये भाई साहब वाह क्या करते हैं, टायर में घूम के टूटी पूरा तेरे पे आया। मतलब ऐसा नहीं करने का, वो चीज किया था पता है, गाय की बॉडी का। हाँ, और वो पवित्र चीज थी गाय की बॉडी। उसको गुजरा, वो हिंदी में क्या, हिंदी में क्या बोलते वो तो पता नहीं है, मगर वो इंग्लिश में उसको पोटी बोलते, गुजराती में उसको पोदड़ा बोलते। तो कुछ ऐसा नहीं था, तो मुझे लगा कि बहुत सारा उठ के मेरे पे आया, मैं डर गया और मैं सीधा वाया, मतलब मिरर में देखने लगा कि भाई ये चीज़ क्या है। वाइजर पे आई, जैकेट पे आई, फिर देखा तो इतू सा था, वो जो बाकी का था वो साइड में गिरा और इन भाई साहब ने अपना सीट नीचे किया तो थोड़ा मेरे जैकेट पे आया। तो ये चलो होता है, फिर आगे से ध्यान रखियो, पानी भी आए ना तो भी साइड में चले जाना। अरे वो तो अपन खाएंगे ना समोसा, तो यार खाना मिर्ची। ब्रेकफास्ट के लिए हॉर्नेस्ट पे रुके थे, लंच का अजय के घर फाइनल, और लोनावाला आ चुके हम लोग और यहाँ से हम लोग जाएंगे रण पे। लोनावाला चलो चलो, क्या बोल रहे हो? मेरे को नहीं आती मराठी, क्या करे अभी, हाँ समझ में नहीं आता मेरे को, ऊपर से जा रहा है, सब्सक्राइबर समझ जाएंगे। I don't wanna fight anymore. Just
just turn around and leave me. The tear in my eye drops on the floor alongside my spear. आगे गाड़ी में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। गिनी चुनी एक दो गाड़ियां दिख रही मेरे को और पता नहीं कौन से रंग आ गए लेकिन मज़ा आ रहा है। स्टॉप नहीं लेना था लेकिन ले लिया, सुसु का तेज आई नहीं और ये लोकेशन थोड़ा अच्छा था इसलिए सोचा कि यहाँ पे थंबनेल ले लेते हैं और अभी मालवण आएगा उसके बाद कुछ तो आएगा तो वहाँ पे मतलब मेरे को मालूम नहीं वहाँ पे थंबनेल मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए मैं टोल टैक्स क्रॉस किया ये वाला तब मेरे को ये लोकेशन दिखी इसलिए मैंने सोचा चलो यहाँ पे थंबनेल लिया जाए। ओके हालत देखो गांव में तो आ गए लेकिन ये कौन सा गांव है, बोर्ड बोर्ड तो लिखा नहीं हमको। हाँ गाय दिखी, भैंस दिखी और कुछ नहाती हुई भैंस दिखी, मस्तक कर लिया। अगर आप विशाखा के ब्लॉग देखते हो तो उसमें पता चल गया होगा कि भैंस को वो बोलती है मस्तक कलीज तो अच्छा लगता है अपने को सुन के। और वो निकली अभी महाराष्ट्र टूर पे, बाइक ले गए। मोस्ट ऑफली मैंने देखा है वो विशाखा अकेली ही निकलती है साइड पे, लेकिन सलाम है यार उस लड़की को, हैट्स ऑफ टू हर। रामगढ़ आ गए हम लोग, रामगढ़। बकरिया जरा रास्ता देना, हेलो लेडीज, नहीं इनमें से जेंट्स भी है थोड़े। अरे इतनी सारी बकरियों में से एक बछड़ा गाय का, भेड़ भी है। सही एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, पीछे ग्रीनरी कम थी अभी ज़्यादा है क्योंकि अभी खेती वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है मेरे को, पीछे तो इतनी गर्मी थी ना हाईवे पे, मेरा तो भौचक्का निकल गया जोक्स अपार्ट, पहुँच के लंच करना पड़ेगा और पहले पानी पीना पड़ेगा, मेरे को बहुत प्यास लगी है। अक्षय भाई यहाँ से जाएंगे ना अपन, कहाँ निकलेंगे? रात को 8 बजे के बाद आएगा तो बहुत डर लगेगा नहीं यहाँ से अंदर जाने का, अहमदाबाद कहाँ निकलेंगे मालूम है? सीधा हाँ रिवर फ्रंट अहमदाबाद, वो होल है बड़े बड़े वहाँ पे ना, जो भूगड़े हैं ना सर के जुआ। चलो चलो अभी चलो, तो एक काम करते हैं शुरू करते हैं, 5-6 दिन में पहुँच जाएंगे अपन। रात को आना है, रात को पहुँचेंगे तो। जा रहे गुफा में, फंस गया तू, जगह कम है क्या अंदर? तो यार मैं भी फंस जाऊंगा। वहां से हम लोगों ने जो देखा ना वो सीधा यहाँ पे निकलता है, तो ये सारा अर्थक्विक में मतलब गिर गया पूरा, और सीमेंट तो दिख ही नहीं रही मेरे को। अजय 7 मंजिल ऊपर है अभी अपने, उतना गहरा पानी है या नीचे, ये जो रिंग दिख रही है रिंग ऐसा 7 रिंग है नीचे तक, तो अभी देख एक और 2 दिख रहा है, बाकी के 5 नीचे है अभी। अभी सीमेंट नहीं दिख रहा है, देख इसमें यहाँ पे दिखेगा पिलर में, दिख रहा है सीमेंट, वहीं पे भी नहीं होगा।
I never pray to God anymore. I'd rather no one hurt me. Redemption, I have waited for you. अजय को बोलता है तू ब्रेक पे पैर रख, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। तेरे को ड्राइविंग कैसे लगी? ड्राइविंग बढ़िया लगी, क्योंकि जीव में वो क्या बोलते हैं, जीव को कुछ हिंदी में क्या बोल रहा है, मतलब जान में जान आई, जान खुद हाथ में लेके बैठे थे ऐसा वो ऐसा इधर से क्योंकि हैवी ड्राइवर था ना, हैवी ड्राइवर कैसा वो बोलता है अजय को तू पैर रख ब्रेक पे। नहीं 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 वो ऐसा बोल रहा था, क्लच ध्रुव संभाल लेगा उस साइड में, ब्रेक मैं संभाल लूंगा। ओके नहीं नहीं अक्षय भाई ने चलाया अच्छे से, थोड़ा आगे गए थोड़ा पीछे आए रिवर्स गए बस उतना ही, क्योंकि अभी काम चालू है लेके नहीं जा सकते ना। किधर है ये सब? नींबू है, ये नींबू है कम से कम 250 ग्राम का एक। ये देख आज मैं पकड़ तो पता चलेगा। अरे इतनी तो मौसम भी नहीं होती। अरे इतनी तो वो मौसम भी नहीं होती। यहाँ पे देखो ऑरेंज की साइज भी इतनी होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये भाई यहाँ पे ये रही देखो, इतना तो ऑरेंज में हाथ में इतना हो रहा है, इतना तो ऑरेंज भी नहीं होता। सच में नींबू है, नींबू नींबू है, इसको देसी नींबू बोला जाता है, गोदर भाई। सही है, तो इसका कितना जूस निकलेगा? जूस निकलेगा बहुत मोटा है ये छोटा साइज, मोटा होता है इतना मोटा होता है। मेरे को चाय पिला, चाय की तलब। जस्ट मेरा एडिटिंग फिनिश हुआ है तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड किया जाए, तो अभी हम लोग टेरेस पे बैठे हैं और मैं तो एडिटिंग कर रहा था और हमारे अक्षय भाऊ किधर गए दिख नहीं रहे, पबजी खेल रहे थे। BGMI खेल ली, खेल ली। सोने जाते हैं बिकॉज हमें सुबह 4:30-4 बजे निकलना है एक और राइड पे, वो आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा, मतलब अपकमिंग व्लॉग में। अभी हमारी आंखों में नींद आपको दिख रही होगी। वो अजय को बताने का नहीं किधर जाने का है, वो हर बार क्या करता है बोल ही देता है इधर। हाँ आज के लिए इतने रखते हैं, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।